तस्वीर वैसे रहती कहाँ हो? वो हम नहीं नहीं नहीं, अपने घर का एड्रेस बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता करना है तो मैं खुद ही पता कर सकता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे पिताजी को ये बता दूं कि तुम इस स्वर्ण भवन में नौकरी करती। तो क्या हुआ? इंटरेस्टिंग, तो क्या हुआ यही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो। मतलब ये स्वर्ण भवन जिसे तुम और सारे उज्जैन वासी एक श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक मानते हैं, ये स्वर्ण भवन अब स्वर्ण भवन नहीं रहने वाला, ये बनने वाला है एक आलीशान मॉल। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? मैं आपको एंटरटेन करने आया हूं। देखिए, आप बहुत सैड दिख रही हैं और बहुत सोच भी रही हैं। सोच तो मेरे बारे में ही रही होंगी, मुझे पता है, लेकिन सैड क्यों है मैं ये जानना चाहता हूँ। अब मेरे बारे में सोच के कोई उदास हो जाए ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मुझे आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं है। तो बताइए क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। देखिए, आज तक किसी लड़की का चेहरा पढ़ने में तो मैंने कोई गलती की नहीं, तो बोलिए ना प्लीज। हम बस सोच रहे थे कि इंसान जहाँ रहता है उसे उस जगह से कितना लगाव हो जाता है, जैसे हम इस स्वर्ण भवन से। स्वर्ण भवन से है? हमारा मतलब हम आधे से ज्यादा दिन तो यहीं होते हैं। आप तो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, तो समझ गए। आपको लगाव हो रहा है अपने असली घर से? असली घर मतलब? लड़कियों का असली घर कौन सा होता है? उनका ससुराल। और आपको अपने ससुराल यानी कि इस स्वर्ण भवन से प्यार होने लगा है? जो मैं समझ रहा हूँ, अगर वही बात है तो ये बहुत खुशी की बात है। चलिए, इसी बहाने आपने हमें अपना तो समझा। देखिए, मैं जानता हूँ दादी माँ को यहाँ होना चाहिए था, मुझे भी खुशी होती, आपको भी खुशी होती, उनको भी बहुत खुशी होती। आई नो, आई मिस इट। चली गई तस्वीर जी? क्या वही जो मिल नहीं रही है? क्या नहीं मिल रही? जो खो गई है। वीर, क्यों वकीलों की तरह जिरा कर रहे हो तस्वीर के साथ? क्या कहूं रिकी सर आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वीर भैया, हम ढूंढ देते हैं। तस्वीर जी, आप नहीं खोई है, अगर आप ढूंढ सकती तो मेरी जरूरत क्यों होती? हम कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ रिकी सर, आप कर सकते हैं, और गोयल सर आप भी कर सकते हैं।
ओके अभी करता हूँ। रिकी सर आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। राजू श्याम तुम लोग भी करो मदद। कलर कौन सा है? पिंक। और साइज? ब्रॉड। ये तो नहीं। अरे रिकी सर ये तो फाइल है। अरे तो वीर इतने से हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? तस्वीर जी की स्माइल। मिल गई स्माइल, मिल गई। इतनी देर से इतनी मेहनत करवाती, देखो डस्टबिन लगी हाथ में। सॉरी रिकी सर, मेरी वजह से आपके हाथ डस्टबिन हो गए। चलो वॉश करके आते हैं। तस्वीर जी, मैंने करण का काम कर दिया। उसी ने कहा था आपको हंसाने के लिए। शैली कम, मीट माय वाइफ Shelly. Hello. Hi. Hello. Hi. And ये है Miss Tasveer. इस प्रोजेक्ट में सारी की सारी मेहनत Miss Tasveer की है। जब आप लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और आज से मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरी रिप्रेजेंटेटिव भी यही हूं। तो आई थिंक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। तस्वीर शुरू करो। कम सिट, सिट प्लीज। सर हम ये जल्दी जाकर शुरू करो। सब लोग बैठ रहे हैं, शुरू करो। स्वर्ण भवन शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। एक एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम जो मॉल बनाना चाहते हैं उसमें मनोरंजन के सारे साधन होंगे। एक मल्टीप्लेक्स, खाने पीने के लिए फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के लिए गेम जोन, बार और कैसीनो। शौकीन लोगों के लिए होगा एक कसीनो। इस मंदिर की जगह होगा एक बार। करण वो तो हम अपने तो कमाल कर दिए। What a presentation! Mind blowing. ये सब कुछ तस्वीर जी ने किया।
आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर दी आप. वेरी गुड. करण अच्छा लगा ना? अरे बहुत अच्छा लगा. सुपर. आओ मैं तुम्हें सबसे मिला था. Congratulations. बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई तुमने. अब स्वर्ण भवन को मॉल बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी. गुड वर्क. अरे एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए. विमल कह रहे थे कि तुम्हें एक फोन दे देना चाहिए जिससे तुम सिर्फ उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रह सको जो हमें स्वर्ण भवन की जगह मॉल बनाने में हेल्प कर रहे हैं. इस स्वर्ण भवन को शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है. इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? ये बात कहने के लिए आपने अर्जेंटली फोन करके मुझे यहां बुलाया इस स्वर्ण भवन के लिए? तस्वीर जी सच बताओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे मॉल बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं. कुछ ना भी बनाए तो इट डजंट मैटर. जिस भवन का 100 साल पुराना इतिहास हो, जो पूरे उज्जैन की शान हो, जिसके लिए लोगों के दिल में आदर और सम्मान हो, आप उस भवन को गिराकर वहाँ मॉल बनाने के हक में हैं? अरे उसका विरोध करने का कारण क्या है मेरे पास? इसका सुनहरा इतिहास काफी नहीं है इसे मॉल बनाने से बचाने के लिए? किस इतिहास की बात कर रही हैं आप? वो इतिहास जो उस ठाकुर उदय प्रताप सिंह के साथ जुड़ा हुआ है. वो उदय प्रताप सिंह जिसने यहीं इसी हॉल में सबके सामने मेरे पापा की इतनी इंसल्ट की. तो आपके पापा ने कुछ नहीं कहा था उन्हें? क्या कहा था बोलिए, क्या कहा था? वो सब हम दोहराना नहीं चाहते, पर एक बात मत भूलिए, बिना दर्द के चीख नहीं निकलती. वाह वाह, आप तो उस घमंडी ठाकुर की ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे आप उसकी बेटी हो. और आप देखिएगा, एक ना एक दिन मैं उस ठाकुर को सबक जरूर सिखाऊंगा. और क्यों बचाए हम उसके इस इतिहास को बोलिए? क्यों रहे हम ऐसे घर में जहां दादी इतनी ना खुश है? दादी का दुख देख के हमें भी दुख होता है. क्या रिश्ता हमारा इस स्वर्ण भवन से? बस एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको मॉल बना देने में समझदारी है. एंड इट्स बेटर ब्लडी बिजनेस. और एक बात और, दादी के लिए हम इस स्वर्ण भवन को तो क्या अपने आप को भी बेच सकते हैं. करण, करण क्या है? कहां जा रहा है? कहीं नहीं. क्या हुआ, नाराज है क्या? मुझसे नहीं, अपने आप से. वो क्या है ना, मुझे स्वर्ण भवन का सम्मान करना नहीं आता और जहां मैं रहता हूँ उस जगह की इज्जत नहीं करता, तो बस वही सीखने जा रहा हूँ. ये कैसी बातें कर रहे हैं तू? मैंने कब ये सब कहा? सब याद है मुझे, बाद में मिलता हूँ. ज्यादा पढ़कर शायद पागल हो गया ना. अच्छा हुआ तस्वीर जी मैं ज्यादा नहीं पढ़ा. हेलो महावीर. नमस्ते पापा. वो मिस्टर मेहरा की फाइल निकालना और उनकी हियरिंग की क्या डेट है वो मुझे बताओ. जी वो फाइल आपके रूम में है ना? आप होल्ड करिए, मैं देख के आता हूँ. सर हम तस्वीर बोल रहे हैं. मैंने तुम्हें पहले भी कहा था
अपनी छोटी छोटी ऑफिस की प्रॉब्लम मुझे मत बताया करो। जो भी है एडवोकेट रिंकी को बताना। सर हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी, हमने प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। सर बहुत जरूरी बात करनी है, विमल जी स्वर्ण भवन बेच रहे हैं, उन्होंने बिल्डर्स की मीटिंग भी रखी थी, हमने रोकने की बहुत कोशिश की सर पर हम नहीं रोक पाए, अब जल्दी से आके कोई एक्शन लीजिए सर वरना जो। हेलो करण, क्या हुआ है तुझे? खाना खाने क्यों नहीं आया? सब लोग नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं। मूड नहीं है मेरा। खाने के लिए मूड नहीं, भूख की जरूरत होती है। भूख भी नहीं है मुझे। बताएगा भी क्या हुआ है? सुबह से अजीब सी बातें कर रहा है। आज सुबह ना मैंने तस्वीर जी से झगड़ा कर लिया, खामखा में उनपे इतना गुस्सा हो गया। अब मुझे ही बुरा लग रहा है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया। इतनी सी बात? करण, अगर तुझे लग रहा है तूने कुछ गलत किया है तो सॉरी बोल दे। लेकिन कैसे? और अरे विमल भैया ने तस्वीर जी को मोबाइल फोन दिया है तो विमल भैया से नंबर लेके फोन करके बोल दे। हाँ, गुड आइडिया। आप एक काम कीजिए ना मेरे लिए, विमल भैया से तस्वीर जी का नंबर आप लेके दीजिए ना प्लीज। ठीक है, थैंक यू, यू आर सो स्वीट। और देखा आपने आज क्या किया, लव गुरु के भी गुरु बन गए आप। तब तो मुझे भी गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स। बस तेरी ये स्माइली काफी है। गॉड, आपने फोन तो उठाया। आ? जी मैंने ना सॉरी बोलने के लिए फोन किया। सॉरी तो आप कल ऑफिस में भी बोल सकते थे, इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ वो तो है, लेकिन मैं सारी रात सो नहीं पाता ना, ये सोच सोच कर कि मैंने नाराज होकर आपके साथ बहुत गलत किया। और आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा अभी सॉरी बोल दूं। तो प्लीज माफ कीजिए ना, सिर्फ इतना बोल दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। लेकिन कुछ नहीं, अगर आप माफ नहीं करेंगी ना तो मैं फोन नहीं काटूंगा, और अगर आप फोन काट देंगी ना तो मैं फिर से फोन करूंगा। अच्छा ठीक है, माफ किया बस। अब हम नहीं, एक वादा और करना पड़ेगा आपको प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कोई सुन लेगा तो हम कल ऑफिस में बात करेंगे, ये कोई वक्त है क्या बात करने का? नहीं, बस एक बार ये छोटा सा प्रॉमिस कर दीजिए कि आज के बाद ना आप उस ठाकुर या उसकी फैमिली का जिक्र भी नहीं करेंगे। आप नहीं जानती वो ठाकुर बहुत ही घमंडी आदमी है, मैं बहुत नफरत करता हूं उससे। अब देखिए ना, उसकी वजह से मैं आपके साथ भी झगड़ा कर बैठा। मैं आज के बाद ना तस्वीर जी उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। मैं बहुत नफरत करता हूं उससे। अब देखिए ना, उसकी वजह से मैं आपके साथ भी झगड़ा कर बैठा। हेलो तस्वीर जी, चुप क्यों है, जवाब दीजिए ना। हेलो, माफ तो कर ही दिया होगा ना? बातें करना
बड़ा अच्छा लगता है। जवान जज्बात, चांदनी रात और फोन पे बात। सच बताऊं आपा, जवानी के दिन याद दिला दिए तुमने। मगर वो फोन नहीं था हमारे जमाने में, बस थे तो प्रेम पत्र। मामी वो ऐसे कोई बात नहीं है। ₹20 लाख कभी देखे एक साथ जिंदगी में इतने सारे पैसे? मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे पहली बार आपको कमरे में आते हुए देख के धड़का था। वो भी एक शुरुआत थी डार्लिंग, और ये भी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। पर उस वक्त हमारे पास सिर्फ प्यार था, और इस बार प्यार भी है और पैसा। लेकिन ये पैसा आया कहां से? सोचो कि उम्मीदों के बाग में पहला फूल खिला है। क्या? बिल्डर ने पहली इंस्टॉलमेंट दी है। Really? अब बस सोचो, एक बार ये स्वर्ण भवन में मॉल बन जाए, बार बन जाए, रेस्टोरेंट बन जाए, जो एक अड्डा बन जाए, कितना पैसा कमाएंगे हम लोग। तो जो चाहे जब जी चाहे यो खरीद लूंगी। अच्छा तो ये लो, अभी से शुरू कर दो। वैसे भी कोई देख ले उससे पहले हमें इस पैसे को ठिकाने लगाना होगा। तो पता नहीं किसी ने बॉस की रिस्पेक्ट करना सिखाया है या नहीं, लेकिन मैंने तुम लोगों को अपने बाप की रिस्पेक्ट करना सिखाया था। पापा, क्या बात हो गई? पापा, क्या बात हो गई? बात मुझे नहीं, तुम्हें बतानी है अभी। मैं घर से 2 दिन क्या बाहर रहा, मेरे पीछे ऐसा क्या हो गया कि तुमने स्वर्ण भवन बेचने का प्लान बना लिया? एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं घर से कितना भी दूर रहूं लेकिन घर मुझसे दूर नहीं रहता। तुम सब हॉल में आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। बुलाओ करण और वीर को। नाउ पापा को ये सब कैसे पता चला? इसका मतलब सर ने स्वर्ण भवन को बचाने वाली बात सुनकर फोन काटा था। जी जी जी, शुक्रिया। पुराने फोन से नया धंधा कैसे करोगी दीदी? इतना कुछ किया है तो नया मोबाइल फोन रख ही लो खुद का, है ना? तो फिर आप आराम से रात को 12 बजे भी टिफिन का ऑर्डर ले सकती हो, या फिर काम की बात कर सकती हो जैसे आभा करती है। आभा क्या करती है? अरे वो कहाँ कुछ करती है, वो तो बस रात को 12 बजे फोन पे काम की बात करती रहती है घर से बाहर जाकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें आभा पे पूरा भरोसा है। मुझे भी तो पूरा विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कल जब रात को 12 बजे मैंने आभा को किसी से फोन पे बतियाते देखा तब मेरा सारा विश्वास धरा का धरा रह गया। मैंने पूछा तो बताने लगी कि ऑफिस से फोन था और काम की बात कर रही हूँ। अब
दीदी, आपने और मैंने भी अपनी जवानी में ऐसी काम की बातें थोड़ी बहुत तो की होगी ना। हमें क्या पता नहीं काम की बात का मतलब क्या होता है। काम की बात का मतलब लड़की का किसी लड़के से। बस बस भाभी, हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। हम अभी और इसी समय पंडित जी से मिलना चाहते हैं। हमने फैसला कर लिया है ब्रिज, अब हम इस बेटी का बोझ लेकर और जिंदा नहीं रह सकते। मैं पूरी जिंदगी नफरत की आग में जलता रहा अपने पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए, और आज जब मैंने उस ठाकुर को इस स्वर्ण भवन से निकाल दिया, तुम मेरे सम्मान को बेचते चले हो। जीते जी ये स्वर्ण भवन नहीं बिकेगा। पापा, एक ठाकुर को नीचा दिखा, माँ की खुशियों से ज्यादा कब से हो गया पापा? पापा, बचपन में आप ही ने तो हमें सिखाया था एक माँ के रिश्ते का महत्व। बाकी कसर तो ऊपर वाले ने पूरी करी थी। पापा, मैं 9 साल का था जब माँ चल बसी थी। तो दादी ने ही पाला, वही हमारी मां है। आप नहीं समझेंगे पापा, सब कुछ होने के बावजूद एक मां का ना होना, यह एहसास आप नहीं समझ पाएंगे पापा। शायद इसलिए आपकी जिद आपके मां के प्यार से ज्यादा है, पर हमारे लिए नहीं है पापा। दादी मां की खुशियों के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। इसके लिए हमें आपसे अलग क्यों ना होना पड़े। तुम लोगों को अलग होना है। हाँ हाँ पापा, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग हो जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।